सच बोलते तो ये तो एक दो घंटे से ज्यादा नहीं होगा। कैश देंगे, कैश दोगे तो पैसे देंगे। मैं समझता हूँ कि क्रिमिनल लॉ में इनको जेल में जाकर कस्टोडियल इंटरोगेशन जैसे सच बताने के लिए ये माहौल से विवश करेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी हमारे साथ हैं इस समय। सुब्रमण्यम स्वामी इस केस को काफी समय से परस्यू कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी शुरू से एक चीज कहते आए थे कि एक ना एक दिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी पूछताछ के लिए बुलाएगा। सुब्रमण्यम स्वामी का ये भी क्लेम काफी वर्षों से, जब से वो केस पे को फॉलो कर रहे हैं, कि राहुल गांधी सोनिया गांधी का अरेस्ट भी होगा। डॉक्टर स्वामी, आज सेकेंड डे है क्वेश्चनिंग का, कल राहुल गांधी थे, 10 से 11 घंटे की क्वेश्चनिंग रही। कल भी एक मैसिव शो ऑफ स्ट्रेंथ दिया कांग्रेस पार्टी ने और कहा कि ईडी आईटी बाकी एजेंसीज हमारे खिलाफ यूज हो रही हैं। दोबारा से सेकेंड डे ऑफ क्वेश्चनिंग है सर, क्या लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग हो सकती है सर, थोड़ा डिटेल में बताएंगे। देखिए, जो विषय है उसके अनुसार सच बोलता राहुल गांधी तो फिर इतनी इसको लंबा दो दिन कितने चंद घंटे इसकी आवश्यकता नहीं होती। जब भी दो दिन, एक दिन, दो दिन ऐसे लगते हैं, लगते हैं ऐसे सीमित विषयों का। सीमित विषय क्या है कि इनको कर्जा दी, कंपनी कहती है कि हमने डोनेशन दिया, और ये कहते हैं कि नहीं हमने कर्जा ली, और कर्जा में कोई ब्याज नहीं, कोई जिसको कहते हैं जो डिपॉजिट करनी होती है वो नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसमें बोलना चाहिए, भाई ये सब आपको कैसा मिला, और आप बैंक में नहीं गए, यहाँ क्यों गए, ये तो हवाला के हमारे नज़र में है बहुत सालों से ये कंपनी। तो इसमें मामला सच बोलते तो ये तो एक दो घंटे से ज़्यादा नहीं होता। सर, डोटॉक्स कंपनी की जो बात की जा रही है, आपने भी कहा कि हवाला ट्रांजैक्शंस की उस पर पहले से ही फाइनेंशियल यूनिट्स की नज़र है, और उस कंपनी में कहा जाता है कि वो कंपनी अगर आप उन्हें कैश देते हैं तो वो आपको चेक देती हैं, और ब्लैक का मनी एक तरह से वाइट करते हैं, ये भी एलिगेशन है। चेक दोगे तो वो पैसा कैश देंगे, कैश दोगे तो पैसे चेक देंगे, तो वो उनका तो धंधा ही है, और इसीलिए अब इसमें वो फंस गए। अब वो मान लेंगे तो फिर होगा, कन्फेशन हो गया, मान नहीं गए तो झूठ बोला, तो इसीलिए लंबा है। मैं समझता हूँ कि इतना लंबा हो रहा है तो इससे मैं यानी कोई मोदी के स्तर पर कोई कृपा करेंगे तो अलग बात है, परंतु तो साधारण मैं समझता हूँ कि क्रिमिनल लॉ में इनको जेल में जाकर कस्टोडियल इंटरोगेशन जैसे 106 दिन के लिए चिदंबरम गए थे और उनकी वहाँ उसमें सच प्राप्त की थी, अब उसकी जो अब प्रोसिक्यूशन है वो बाकी है, और वैसे ही इनको भी अंदर जा कर के सच बताने के लिए ये माहौल से विवश करेंगे। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी साफ तौर पे यहाँ कह रहे हैं कि कस्टोडियल इंटरोगेशन हो सकती है राहुल गांधी की, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी इस केस को शुरू से फॉलो कर रहे हैं, वो पूरी टेक्निकलिटीज जानते हैं। एक चीज़ सर आपसे और जानना चाहेंगे, ये जो राजनीतिकरण हो रहा है पूरे इशू का, उस पर क्या कहेंगे? अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं है, अगर कुछ गलत नहीं हुआ है, तो यू फेस द लॉ। अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे, एक तरह से क्या लग रहा है सर, ये दबाव बनाने की रणनीति है ईडी पे? इतने प्रोटेस्ट हो रहे देश भर में कांग्रेस के द्वारा। नहीं, वो उनको तो पता ही है कि जो राहुल गांधी ने कई जगहों में, सिर्फ इस विषय में नहीं है, उसका नाम इंग्लैंड में क्या है, राहुल विंची, यहाँ है उसके सिटीजनशिप के बारे झूठ है, तो ये डिग्री पर झूठ है। तो मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी चिंता करती है कि भाई इसमें पकड़े जाएंगे तो सारी पार्टी बदनाम हो जाएगी, तो इसीलिए वो आ रहे हैं। तो लेकिन लोकतंत्र में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना कोई अपराध नहीं है।